खुफिया महल जिसके अंदर थी 52 गलियां 56 बाजार, कोसों दूर तक हुआ करती थी जिसकी खूबसूरती के चर्चे, लेकिन फिर पड़ गई मुगलों की काली नज़र और अब 400 सालों से अंतिम सांसें ले रही है गौरवशाली परमार वंश की ये आखिरी निशानी। बिहार का बक्सर जिला यूं तो बक्सर युद्ध के लिए जाना जाता है, जिसे हम और आपने किताबों में खूब पढ़ा है, लेकिन आज बिहारी विहार के इस सेगमेंट में हम आपको लेकर चलेंगे नया भोजपुर में स्थित नवरत्नगढ़ का किला, जो अब आखिरी सांसें ले रही है, जिसका इतिहास तो गौरवशाली है, जिसकी दीवारें आज भी कहती है समय है मुझे बचा लो। आधुनिकता के इस दौर में भले ही यह शहर खुद को स्थापित करने में सफल हो गया हो, लेकिन इतिहास को संजोए रखना इस शहर ने शायद ही सीख पाया हो। लोगों के शोर शराबा, हंसी ठिठोली, वाद विवाद और मुस्कानों से गुलजार इस शहर की आज भी कुछ विरासत मरणशैया पर पड़ा है। ऐसी ही विरासतों में आज हमने ढूंढ निकाला है बक्सर के नवरत्नगढ़ किले को, जो किले के नाम पर अब बस टूटी फूटी दीवारों तक सीमित रह गया है। बक्सर जिले में स्थित नया भोजपुर अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है, इस बात को प्रमाणित करता है यहाँ स्थित नवरत्नगढ़ का किला। डुमराव स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर और जिला मुख्यालय बक्सर से 16 किलोमीटर दूर इस किले के आसपास 3 से 4 सदियों में नया गांव बस गया, जिसका नाम नया भोजपुर रखा गया। इतिहास के पन्नों से इतिहासकारों का मानना है कि उज्जैन से परमार वंशीय राजा का विस्थापन 14वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हुआ। यह लगभग 1320 ईस्वी की घटना है। तब तक मालवा पर दिल्ली के सुल्तान का कब्जा हो चुका था। परमार वंशीय राजा भोज वंशज के नेतृत्व में पूर्व की ओर प्रस्थान कर बिहार में सोन के पश्चिम तट पर अपना डेरा जमाया। उसी समय भोजराज के पुत्र देवराज ने अपने पिता के नाम पर भोजपुर नामक एक गांव बसाया। इस भोजपुर का संबंध महाराज भोज एवं परमार वंशीय राजा भोजराज के साथ खून के रिश्ते का था, क्योंकि महाराज भोज की परवर्ती पीढ़ी में ही राजा भोज का जन्म हुआ था। इसी परमार वंश में राजा रुद्र प्रताप सिंह पैदा हुए। कला संस्कृति के प्रेमी इस राजा ने भोजपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर गंगा के मुख्य तट पर अपनी राजधानी और राजमहल के लिए स्थल का चयन किया। कला प्रेमी राजा की देखरेख व हजारों श्रमिकों के वर्षों लगातार परिश्रम से नवरत्नगढ़ का किला वर्ष 1633 में बनकर तैयार हुआ। इस किले के बारे में प्रसिद्ध है कि इसके अंदर 52 गलियां और 56 बाजार थे। इसका दुर्भाग्य रहा कि इस पर मुगल शासक की नज़र पड़ गई। इस किले की लोकप्रियता और वैभव शाहजहां को रास नहीं आई। इतिहासकारों का मानना है कि थोड़ी सी ही अनबन पर शाहजहां ने परमार वंश के शासक राजा रुद्र प्रताप नारायण सिंह को बागी घोषित कर बंदी बना लिया और आजमाबाद भेज दिया, जो उस समय पटना में हुआ करता था। और महज 3 साल के अंदर बिहार का मुगल सूबेदार अब्दुल्ला खान ने इसे ध्वस्त करा दिया। बाद में मुगल शासनकाल के सईद खान का बेटा बेमद खान शाही अमलदार के रूप में भोजपुर आया, नवरत्न किला की मिट्टी और पत्थर से किला के पश्चिम एक रोजा एरिजवान बनवाया, जिसने भोजपुर का नाम शाहबाद रखा। 1664 के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने इस इलाके पर कब्जा किया, जिसके बाद शाहबाद जिला बना, जिसके आज 4 हिस्से हैं, आरा, बक्सर, सासाराम और भभुआ। शाहबाद जब विभाजित हुआ, उससे पहले तक शाहबाद भोजपुर और अब भोजपुर जिला आरा के नाम से जाना जाता है। गांव धीरे धीरे फैलता गया और किले को निकलता चला गया। इससे 100 से 200 मीटर की दूरी पर ही एक और खंडहर है, जो कि भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि नया भोजपुर गाँव के विद्यालय भी किले की जमीन पर ही बना है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह किला कितना भव्य था। आज से कुछ वर्ष पहले जब विद्यालय के लिए अतिरिक्त भवन बनाने के लिए नींव खोदने का काम हो रहा था, उस समय नीचे इमारत तो होने की बात सामने आई। खुदाई में एक कमरा मिला, पूरी तरह मिट्टी के नीचे दफन था। आज भी इसके अवशेष खुदाई के दौरान मिले खुफिया गुफा के दरवाजे किले के अतीत को जिंदा रखते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ क्यों जाएं, तो आपको कहना चाहूँगी कि यूँ तो ये किला काफ़ी हद तक ध्वस्त हो चुका है, पर आज भी इसकी टूटी दीवारें गौरवशाली इतिहास होने का एहसास करवाती है। उन टूटी इमारतों के आगे भी आपकी तस्वीर अच्छी आएगी। यहाँ का वातावरण शांत और शीतल रहता है, जिससे लोगों को ये आकर्षित करता है।